बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस एंड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसमें हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। बेटे, हम आज परफेक्ट टेंसेस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे और हमारा ये जो 20 मिनट्स का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का बेटा मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज और हैव है और वर्ब हमारा होगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ यहाँ पे आप याद रख लें, मैंने आपसे कहा था कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, इन तीनों टेंसेस के अंदर भी आप जो वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एज वेल एज एक्टिव वॉइस के अंदर भी ये पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स चेक एन एग्जांपल, लाइक एग्जांपल हम लेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे हैव painted the wall. They have painted the wall. यहां पे आपके पास दो helping verb हैं, एक आपके पास has है, दूसरा आपके पास क्या है, have है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट आई, और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट है उसके साथ आप have का इस्तेमाल करते हैं। They have painted the wall. और इसका नेगेटिव क्या होगा, they haven't painted the wall. आप इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आते हैं, तो वो जुमला क्या बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है। फॉर एग्जांपल, हैव दे पेंटेड द वॉल। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैवंट दे पेंटेड द वॉल। अब इन जुमलों को हम ट्रांसलेट करेंगे, दे हैव पेंटेड द वॉल, वो दीवार को पेंट कर चुके हैं। दे हैवन पेंटेड द वॉल, वो दीवार को पेंट नहीं कर चुके। हैव दे पेंटेड द वॉल, क्या वो दीवार को पेंट कर चुके। हैवंट दे पेंटेड द वॉल, क्या वो दीवार को पेंट नहीं कर चुके। अब बेटे आप इनको ज़रा देखें, तो पहले आप फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर देखिए, दे इज सब्जेक्ट, हैव इज द हेल्पिंग वर्ब, पेंटेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ पेंट और वॉल आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो फार्मूला ऊपर आप देखें, नीचे ऑब्जेक्ट को, ये जो फार्मूले को फॉलो कर रही है सर। अब हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें नॉट आता है आप उसको नेगेटिव कहते हैं, जिसमें जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसको आप इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो रहा है और नॉट भी आए
तो वो इंचो वेरिफ नेगेटिव होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दीज फोर सेंटेंसेस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म. पैसिव फॉर्म में हमें पता है कि जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं. जैसे अब द वॉल पहले आएगा तो कैसे करेंगे आप, द वॉल. अब द वॉल यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैव नहीं लिखेंगे, हैज लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है उनके साथ हैज आता है. द वॉल हैज. अब यहाँ पे हैज के बाद एक और वर्ड आएगा, बी का थर्ड फॉर्म है बीन, हैज बीन पेंटेड बाय देम. The wall has been painted by them. आप इसका negative क्या होगा, The wall hasn't been painted by them. Has the wall been painted by them? Hasn't the wall been painted by them? अब हम देखते हैं, they have painted the wall. The wall has been painted by them. They haven't painted the wall. The wall hasn't been painted by them. Have they painted the wall? Has the wall been painted by them? Haven't they painted the wall? Hasn't the wall been painted by them? इन दोनों में आप देखें, एनालिसिस करें तो आपको बेटा एक 21 की आपको समझ आएगी. ऊपर भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और पैसिव वॉइस के अंदर भी इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे बीन का इजाफा हो और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को आपने चेंज किया है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ऊपर भी यही है, नीचे भी यही है. तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव वॉइस बनाना कदर आसान है, इट्स क्वाइट ईजी. जो दूसरे टेंसेस हैं उनको पैसिव बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. उसकी वजह यह है कि उनके एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो रहा होता है और उनके पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा होता है. लेकिन यहाँ पे एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म है, तो इट्स क्वाइट ईजी. अब मैं यहाँ पे एक जुमला लिखूँगा, इसका आपने खुद ही करना है. मैं तीन जुमले आपको यहाँ पे लिखूँगा सेंटेंसेस, इसका आपने पहले इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर नेगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, और उसके बाद आपने इन तीन जुमलों को पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट करना है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मैं तीन जुमले यहाँ पे लिख रहा हूँ. वी हैव टेकन टी, हम चाय पी चुके हैं, इसका आपने बनाना है. दूसरा, तहरीम हैज कुक्ड टू ब्रेड्स. और थर्ड आपके पास जो होगा वो होगा अयान हैज बॉट अ रिंग. आई हैव रिटन थ्री सेंटेंसेस हियर, ये तीनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं. तो आपका असाइनमेंट ये है, आप क्या करेंगे, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसके नेगेटिव, इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से, इसके हर एक जुमले के फोर जुमले बनेंगे और उसका आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो 8 बनेंगे. तो कुल मिला के इनके बनेंगे आपके पास 24 सेंटेंसेस, 24 जुमले बनेंगे. तो आपका ये असाइनमेंट है, ये आपने बनाना है.
ये असाइनमेंट इसलिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका ग्रिफ्ट जो है ना ये टेंसेस और एक्टिव पैसिव के ऊपर मजबूत हो जाए. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस असाइनमेंट. अब बेटे हम मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ. पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है. प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम दो तरह के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, एक को अब हैज़ कहते हैं, दूसरे को हैव कहते हैं. अब बेटे पास्ट परफेक्ट के अंदर जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हैड है. क्या है? हैड. बहुत ईजी है. पास्ट परफेक्ट इज ईजियर देन प्रेजेंट परफेक्ट बिकॉज वी ओनली यूज वन हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज हैड. इसमें हैड है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. वी हैड प्लक्ड अ फ्लावर. वी हैड प्लक्ड अ फ्लावर इसका मतलब होता है हम एक फूल तोड़ चुके थे. अब क्या हो गया यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या होगा? वी हैडन्ट प्लक्ड अ फ्लावर. हम एक फूल नहीं तोड़ चुके थे. क्या हम एक फूल हैड वी प्लक्ड अ फ्लावर? Had we plucked a flower? क्या हम एक फूल तोड़ चुके थे? Hadn't we plucked a flower? अब बेटे आप यहाँ पे देखें, यहाँ हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला है सब्जेक्ट है और हैज़ हैव की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करते हैं. We use had instead of has and have. और third form of verb plus object है. अब इसमें सिर्फ एक change है, वहाँ पर पहले हमारे पास has और have था, अब यहाँ पर हमने क्या put किया? Had. बस सिर्फ helping verb का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है present और past perfect tense के अंदर. Subject plus had plus third form of plus object. अब यहाँ पर देखिए, we subject है, had is the helping verb, plucked is the main verb और third form of verb है flower is the object. We had plucked a flower. हम एक फूल तोड़ चुके थे. वहाँ पे चुके हैं, चुका है, चुकी है, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं एंड पे, यहाँ पे चुका था, चुके थे, चुकी है, चुकी थी. We had plucked a flower. हम एक फूल तोड़ चुके थे. We hadn't plucked a flower. हम एक फूल नहीं तोड़ चुके थे. Had we plucked a flower? क्या हम फूल तोड़ चुके थे? Hadn't we plucked a flower? क्या हम फूल नहीं तोड़ चुके थे? अब बेटे हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे चेंज करेंगे? हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे, उनके प्लेस को हम चेंज करेंगे. थर्ड फॉर्म ही रहेगा और इसमें सिर्फ बीन का इजाफा होगा. तो क्या होगा यहाँ पे? अ फ्लावर, अ फ्लावर हैज बीन प्लक्ड बाय वी. किस में चेंज होता है? अस में चेंज होता है. अ फ्लावर hadn't been plucked by us. Had a flower been plucked by us? Had a flower not been plucked by us.
लुक एट द सेंटेंस. अब बेटे आप इस जुमलों को ज़रा देखें. वी हैड प्लक्ड अ फ्लावर हैड बीन प्लक्ड बाय अस. अब ऊपर भी हैड है, नीचे भी हैड है, सिर्फ बीन का इजाफा हुआ है और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम है. इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट इनटू पैसिव वॉइस. पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ बीन का इजाफा होता है, वर्ब हमारे पास सेम है, राइट. We had plucked a flower had been plucked by us. We hadn't plucked a flower had not been plucked by us. Had we plucked a flower, had a flower been plucked by us. Hadn't we plucked a flower, had a flower not been plucked by us. ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है. अब मैं यहाँ पे कुछ जुमले आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ कि आपने खुद अपनी अब प्रैक्टिस के लिए इनको ट्राई करना है. मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के आपको तीन जुमले दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए और पास्ट परफेक्ट के भी मैं आपको थ्री जुमले दे रहा हूँ, थ्री सेंटेंसेस में आपको दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें. फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, योर फर्स्ट सेंटेंस इज I have read a new novel. Have नहीं है बल्कि I had read a new novel. Second इसके पास होगा a muscle. Had bought a car, right? और थर्ड जुमला हमारे पास होगा नदीम had written a स्टोरी. इनका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ. आई हैड रेड अ न्यू नावल, मैं एक नया अफसाना पढ़ चुका था. अमासिल हैड बॉट अ कार, अमासिल एक कार खरीद चुकी थी. नदीम हैड रिटन अ स्टोरी, नदीम एक स्टोरी लिख चुका था. अब बेटे इसका आपने, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आपने इसको नेगेटिव बनाना है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर आपने इसको चेंज करना है और उसके बाद आपने पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है और उसको नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है. इसके भी 24 सेंटेंसेस बनेंगे. ये आपका होम असाइनमेंट है, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन हैव अ गुड ग्रिप ऑन टेंसेस एंड इट्स पैसिव वॉइस. पास्ट परफेक्ट के ऊपर आपको ग्रिफ्ट हासिल हो जाए और उसके पैसिव वॉइस पे आपको कमांड हासिल हो जाए, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. और बेटा एक और बात आप लोग याद रखें, वो ये है आपका कि आपने अपने जो बुक है उसके अंदर जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस और उसके ट्रांसलेशन है उस पर जो सॉल्व वाला पोर्शन है वो आपने करना है, राइट. उसको आप करेंगे, एक दफ़ा आप उसको रीड करें और जो 5 ईयर्स में जो सेंटेंस ट्रांसलेशन के जो पोर्शन है उसको आपने बार बार देखते रहना है. और अगर आप इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको बेटर वे में समझना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी आप विज़िट कर सकते हैं. इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं क्योंकि मैंने रीस्टार्ट किया है अपना काम, तो आप उधर भी देख सकते हैं. अब नाउ We are moving towards future perfect tense. अब बेटे हम future perfect tense की तरफ मूव कर रहे हैं. तो future perfect tense का formula सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा, future perfect tense. Subject है और subject के बाद future में तो हमेशा will आता है, ये तो आपको पता है, ये एक प्री डिटर्मिन चीज़ है. सब्जेक्ट प्लस विल
प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने याद रखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के में विल के साथ बी आता है और फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर में हमारे पास चार टेंसेस है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के चार टेंसेस में से दो के पैसिव वॉइस बनते हैं, दो के नहीं बनते। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है और हम अभी बनाएंगे इसका। फ्यूचर परफेक्ट का मैं यहाँ पे एक जुमला लिख रहा हूँ, वी विल हैव ब्रोकन द रूल्स। इसका तर्जुमा होगा हम रूल्स तोड़ चुके होंगे। वी विल हैव ब्रोकन द रूल्स, वी वोंट हैव ब्रोकन द रूल्स, हम रूल्स नहीं तोड़ चुके होंगे, हम रूल नहीं तोड़ चुके। हैव वी हैव यहाँ पे आ गया विल वी हैव ब्रोकन द रूल्स won't we have broken the rules We will have broken the rules हम रूल्स तोड़ चुके होंगे। We won't have broken the rules हम रूल्स नहीं तोड़ चुके होंगे। Will we have broken the rules क्या हम रूल्स तोड़ चुके होंगे। Won't we have broken the rules क्या हम रूल्स नहीं तोड़ चुके होंगे। अब बेटे हम इसके पैसिफायर्स बनाते हैं। पैसिफायर्स में क्या होगा, विल से आप हाँ यहाँ से रूल्स को आप पहले लेंगे, द रूल्स will have been broken by us. We किस में चेंज होता है, us में चेंज होता है। we will have broken the rules, the rules will have been broken by us, the rules won't have been broken by us. Will the rules have been broken by us? Won't the rules have been broken by us? अब जरा यहाँ पे आप देखें, we will have broken the rules will have been broken by us, we won't have broken the rules won't have been broken by us, will we have broken the rules, will the rules have been broken by us, या will have the rules भी सही है, won't we have broken the rules, won't the rules have been broken by us। हम इसको कंक्लूड करते हैं आज। हम इसका मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी आपको बहुत सारा होमवर्क दे चुका हूं। तो हम ने आज पैसिफाइस डिस्कस किया, परफेक्ट टेंसेस का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का। हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हमने डिस्कस किया। इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।